दास्तां कल आज और कल। मैं संजीव जोशी आज आपके सामने अपने अनुभव लेकर उपस्थित हूँ। बीता हुआ कल एक बहुत खूबसूरत पल। मैं एक ट्रैकर हूँ और यूथ हॉस्टल एसोसिएशन से लगभग 35 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। यूथ हॉस्टल द्वारा आयोजित कई ट्रैकिंग में और फैमिली कैंपिंग में भाग ले चुका हूँ और वैसे भी मैं एक पर्यटक हूँ और मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उत्तर पूर्व भारत समेत मैं भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहरों में और अलग अलग हिस्सों में घूम चुका हूँ। मैंने सुंदरवन भी देखा है जो अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और दुनिया में अपनी तरह का इकलौता है। रण ऑफ कच्छ गया हूँ मैं। रण ऑफ कच्छ भी ऐसी जगह है जो आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ भारत का ही एक हिस्सा है। तो ऐसे बहुत सारी जगह है भारत में जो यूनिक कहलाई जा सकती हैं और मैं लगभग सभी जगह घूमा हूँ, परिवार के साथ भी, मित्रों के साथ भी। बहुत सारे ट्रिप्स तो मैंने अकेले भी की हैं। तो घूमने का जो आनंद कल था उसको तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब आज बात करें आज की। आज कोरोना के इस काल में एक तड़प सी है कि कब ये कोरोना काल समाप्त होगा और कब मैं अपने घूमने फिरने के शौक दोबारा जीवित कर पाऊँगा। इस समय तो कहीं जाना असंभव है। एक घबराहट से बैठ गई मन में कि अगर ट्रेन में जाता हूँ तो पड़ोस के बर्थ पे कोई संक्रमित ना बैठा हो, कोई खांस दे छींक दे, तो घबराहट होती है कि पता नहीं संक्रमित आदमी ने खांसा या छींका है। हवाई जहाज़ों में भी यही हाल है। सब जगह हर तरह खौफ और डर का माहौल है, इसलिए कोई भी पर्यटक इस समय घूमने जाने की बात तो सोच ही नहीं रहा है। तो आने वाला कल कुछ उम्मीद लिए आएगा ऐसा मुझे लगता है। फिर भी वर्षा काल में तो कहीं नहीं जाना चाहिए, ये सब मेरा पक्का विश्वास है, क्योंकि संक्रमण किसी भी तरह का हो वर्षा काल में फैलता ही है, बढ़ता ही है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी छोड़ दीजिए, नवंबर में दिवाली के बाद कहीं जाने का कुछ प्लान बनाया जा सकता है। अगर आप भी कहीं जाने का प्लान कल बना रहे हों तो नवंबर दिवाली के बाद ही बनाइएगा। और इस विषय में मैं आपको एक विशेष सलाह ये देना चाहूँगा कि जितने भारत के प्रसिद्ध स्थल हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ जाना फ़िलहाल तो आप अवॉइड कीजिए, मत जाइए इस समय। कुल्लू मनाली है, शिमला है, मसूरी है या गोवा है, ना बिल्कुल नहीं। आप ऐसे छोटे छोटे शहर गूगल पे अगर आप तलाशेंगे तो इतने खूबसूरत छोटे छोटे स्पॉट्स हैं इस देश में। जैसे मैं कश्मीर गया था, वहाँ पटनी टॉप, नाथा टॉप बेहद खूबसूरत जगह है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बर्फबारी के बाद तो अप्रतिम सौंदर्य है। भीड़ भाड़ भी नहीं है, महंगे होटल्स भी नहीं हैं, आपको बहुत ही अच्छे से वहाँ ट्रीट किया जाता है क्योंकि पर्यटक कम हैं। या उत्तरांचल, ओली एक विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिसोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, 12 महीने बर्फ से ढका रहता है, वहाँ जाइए आप। वहाँ भी गिने चुने पर्यटक मिलेंगे, जो स्कीइंग के शौकीन हैं वही मिलेंगे। अच्छे होटल्स हैं वहाँ, खाने की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। या ओली से लौटते समय आप चोपटा जा सकते हैं, तुंगनाथ जा सकते हैं, ये छोटी छोटी जगहें बेहद खूबसूरत हैं। गोवा हम जाते हैं बीचेस के लिए खास करके। अगर आपको बीचेस देखने का शौक़ है तो आप गोवा फ़िलहाल छोड़ दीजिए, आप महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के समुद्री तटों का आनंद लीजिए, किसी भी प्रकार से वो गोवा से कम नहीं है। इन सभी जगहों पर कहीं भी जाने से पहले आप एक बार उस जगह की कोरोना हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कम है, ज़्यादा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोरोना वहाँ बढ़ रहा है तो अवॉइड कर दीजिए। मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग ये तो आवश्यक है ही। अब आज नहीं, ये आप समझ लीजिए हमेशा के लिए हो गया लगता है मुझे, जब तक कि आपको कोरोना का कोई पक्का इलाज नहीं मिल जाता। घूमना फिरना एक बहुत बहुत ही अच्छी एक जीवन की क्रिया है और
इससे आपके जीवन में उमंग उत्साह बना रहता है। इसलिए खूब घूमिए, खूब फेरिए, अकेले घूम सकते हैं तो और भी अच्छा है। इसमें आपको एक तरह के बंधन मुक्त घूमने को मिलता है। परिवार के साथ जाना चाहें तो यूथ हॉस्टल की फैमिली कैंपिंग है, सारे देश भर में है, बेहद इकोनॉमिकल है और सर्व सुविधा युक्त है, बहुत सुंदर। आप उनमें ट्राई कर सकते हैं, कोई भी जा सकता है उनमें, और मित्रों के साथ जा सकते हैं तो और भी अच्छा। तो जैसे भी हो, आप अपना घूमने फिरने का शौक़ बरकरार रखिए। कोरोना से डर के जीने का आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोरोना के साथ ही हमें जीना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।